Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optional. Now, if you've started your preparation for UPSC 2023, तो इस समय आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इतने ज़्यादा सिलेबस हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, स्पेसिफिकली फॉर योर UPSC मैनेजमेंट ऑप्शनल, तो कौन से सब्जेक्ट में आपको कहाँ फोकस करना है, व्हाट इज द ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया, व्हाट इज द ब्रॉड सिलेबस एंड किस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं. So what I'm going to do in this particular lecture is I'm going to do two things. One, I'm going to help you identify that what are the broad syllabus and the broad subject areas. Second, I'm also going to highlight that in each of these subjects, what should be your focus areas, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर क्या आपकी approach होनी चाहिए in order to cover the entire syllabus in a very comprehensive manner. Because syllabus बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा systematic way में नहीं पढ़ोगे, if you're not structuring it, if you're not identifying it, that what is the expectation out of a particular subject, then certainly you will not be able to complete your entire syllabus on time. तो इन सारी चीज़ों को discuss करेंगे, so let's get started. Now, the first and the foremost thing is कि आपका जो पूरा का पूरा syllabus है, वो दो papers में divided है, paper one और paper two. सबसे पहले पेपर वन के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको आपके पेपर वन के सिलेबस के अंदर दिखाई देगा, दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस. अब मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर स्पेसिफिकली तीन कंपोनेंट्स हैं. वन इज योर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, द अदर वन इज योर एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द थर्ड वन इज योर बिजनेस एथिक्स. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू हैव रेड इन योर ग्रेजुएशन, बट दे टेंड टू इग्नोर द टॉपिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एथिक्स. बट मैं आपको बता दूं कि एक कंपलसरी क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक से एंड एक एथिक्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एथिक्स के टॉपिक से जरूर पूछा जाता है, एंड अच्छे लेवल का पूछा जाता है. अगर आपने उसको ठीक से नहीं समझा हुआ, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट. तो प्लीज डू नॉट इग्नोर दीज टू टॉपिक्स. ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी मुझे पता है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, आप उसको कर ले जाओगे, बट आपको बिजनेस एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक को भी इग्नोर नहीं करना है. एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आपने उसको सिलेबस वाइज कवरेज कर लिया है, कॉम्प्रहेंसिवली कवरेज कर लिया है बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, यू विल बी एबल टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, तो ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द सेकंड सब्जेक्ट जो आपको मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट. Now the questions are going to be, some questions are going to be very direct in nature. बहुत ही direct level question पूछे जाएंगे, that what is the impact of personality of an individual on decision making. और कुछ जो questions होंगे, they are going to be majorly comment based questions. मतलब कुछ lines given होंगी, कुछ statements given होंगे, जहां पे आपको comment करना होगा, अपना opinion देना होगा. So what is expected out of this particular syllabus? That you cover the entire syllabus with a comprehensive and conceptual understanding. अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कर पाओगे, बट जो कमेंट वाले क्वेश्चन है, जो ओपिनियन वाले क्वेश्चन है, वो आप नहीं कर पाओगे. सो योर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी, सिंस इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करो. ठीक है, दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. आगे चलते हैं, बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अगेन अ वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो आपने अपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा. नाउ द बेसिक ट्रेंड दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन रीसेंट ईयर्स, कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं विच आर ऑन रीसेंट ट्रेंड्स. फॉर एग्जांपल, आपसे पूछ लिया गया दैट व्हाट आर सम ऑफ द रीसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट विच आर रनिंग दीज डेज. आजकल कौन कौन से ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने पोचिंग के बारे में पढ़ा होगा, आपने रेडिंग के बारे में पढ़ा होगा, कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट की जो इंप्लॉइज होते हैं, जो फैकल्टीज होती है, अगर मैं एडटेक के बारे में बात करूं, उनको पोच करने की कोशिश करता है ताकि वो सामने वाले कॉम्पिटिटर का मार्केट कलैप्स कर दे. तो यहां पे जितने एग्जांपल्स आपके पास होंगे, द अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स दैट यू विल बी हैविंग इन टर्म्स ऑफ दीज रीसेंट ट्रेंड्स, दे विल हेल्प यू फेच बेटर मार्क्स. तो पूरा सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना है विद अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट थोड़े से आप प्रैक्टिकल एग्जांपल साथ साथ नोट बना सकते हो, कीवर्ड्स की तरह लिखते जा सकते हो. यू कैन कीप मेकिंग अ नोट ऑफ इट सो दैट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस यू आर एबल टू राइट इट. ठीक है, अगेन अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन. बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी डायरेक्ट इन नेचर. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट इन योर पेपर वन सिलेबस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब यहां स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, प्लीज एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे ही सब्जेक्ट हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड में आता है, तो हमें लगता है यार इसमें तो न्यूमेरिकल बहुत आते होंगे. बट मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, कि पेपर वन में स्पेसिफिकली एट मोस्ट एक ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है. कई बार वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट से पूछ लिया जाता है और कई बार वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पूछ लिया जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पेपर वन, वेदर इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेदर इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
आपको कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज करना पड़ेगा थ्योरी का, बिकॉज इक्वल वेटेज. मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई बिकॉज द एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आप पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ के चले जाओ और प्रैक्टिकल छोड़ दो. और मैं ये भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्रैक्टिकल पढ़ लो थ्योरी छोड़ दो. सो आप मान के चल सकते हो कि आपको थ्योरी को भी इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, बिकॉज अच्छे लेवल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं. बट टिल नाउ एज पर द पास्ट ईयर एनालिसिस बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते. ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको अच्छे से पढ़ लेने, जिसके लिए आप क्लास 12 की बुक को रेफर कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की कोई भी अच्छी बुक रेफर कर सकते हैं, पीसी तुलसीराम की रेफर कर सकते हैं. बुक लिस्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एक सेपरेट वीडियो के अंदर. कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक जरूर अच्छे से देखें, अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके चले जाएं, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इन एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाए. ठीक है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब सब्जेक्ट एक्चुअली नाम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है, उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है. अगर मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करूं तो यहां से भी बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए. कॉस्ट शीट का टॉपिक हो गया एक, दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया एंड बजटिंग हो गया. तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, लंबे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे बट 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं और पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं. ठीक है, सो व्हेन यू आर कवरिंग दीज टॉपिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेक श्योर कि आप थ्योरी भी पढ़ें एंड साथ साथ बेसिक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लें. यू डोंट वॉन्ट टू एंड अप सेइंग इन द एग्जामिनेशन कि भाई ये तो बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, लेकिन क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी थी इसलिए हम नहीं कर पाए. So you have to practice them as well. ठीक है, and overall theoretical and conceptual understanding लेनी होगी, because कई बार बहुत basic सवाल पूछ लिए जाते हैं. variable costing में और absorption costing में क्या अंतर है, absorption costing में और marginal costing में क्या अंतर है, तो अच्छी theory भी पूछी जा सकती है. So you have to make a theoretical understanding of the topic as well. ठीक है, तो ये हो गया cost and management accounting. Now the subject is financial management, very very important subject I would say. And paper one में मैं अगर बोलूं कि यही एक subject है जो थोड़ा सा student को ज्यादा challenging लगता है. बट इफ यू पिक्ड अप अ वेरी गुड बुक, लेट्स से आपने आरपी रुस्तगी की बुक उठाई हुई है या आई एम पांडे की बुक उठाई हुई है, तो मोर और लेस आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर सकते हैं. यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि एक न्यूमेरिकल, जो एक न्यूमेरिकल आपके पेपर वन से पूछा जाता है, वो मेजरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक से होता है, जहां पे हो सकता है कि वो आपसे एक ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पूछ लें. ठीक है, या आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ लें इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, तो आपको यहां पे दोबारा ध्यान रखना है कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया अलग अलग थ्योरीज हो गई, एमएम थ्योरी हो गई, गॉर्डन थ्योरी हो गई, वॉल्टर मॉडल हो गया डिविडेंड का, ठीक है, या कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी हो गई, ट्रेडिशनल थ्योरी है, एनओआई थ्योरी है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थ्योरीज, नेट इनकम थ्योरी है, इन थ्योरीज को अलॉन्ग विद देयर अजम्पशंस आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज यहां से बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, थ्योरीज भी पूछे जाते हैं. तो अगर आपसे थ्योरीज पूछ ली गई एंड यू डू नॉट रिमेंबर द अजम्पशंस, यू विल नॉट बी एबल टू राइट दोज आंसर्स. ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने, अच्छे लेवल के इनफैक्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सब्जेक्ट फॉर पेपर वन. पहले पेपर वन के बारे में बात कर लेंगे. ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट. और मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्शन हुई है, ये एक सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि यार मार्केटिंग में क्या ही पूछ लिया जाएगा, हम अपने आप से लिख लेंगे. और क्योंकि ये ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होता है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को लेकर कैजुअल हो जाते हैं. बट मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे काफी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, मुझे रिकॉल हो रहा है लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट एवरीथिंग इज वेर इन लव एंड वॉर, इलैबोरेट अपॉन द स्टेटमेंट. अब इसके आगे हो सकता है एक आध कुछ हिंट दी हुई और ये क्वेश्चन मार्केटिंग वाले सेक्शन में पूछा हुआ था. नाउ स्टूडेंट मिसअंडरस्टूड इट कि भाई दिस इज अ जेनरिक क्वेश्चन और उन्होंने जेनरिक आंसर लिख दिया. बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन एक्चुअली बिलोंग्स टू द टॉपिक ऑफ एथिकल एडवर्टाइजमेंट. तो जो आजकल न्यू ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, डिजिटलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आजकल बहुत ट्रेंडी हैं. तो यूपीएससी की क्या आदत है कि इन ट्रेंडी टॉपिक्स को उठा के उनको आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स के साथ अमलगमेट करके वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके आपको दे देता है और आपसे बोलता है भाई कमेंट करो या फिर इस आंसर को एक्सप्लेन करो दैट व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स इंपैक्ट ऑन द मार्केट एंड द एनवायरनमेंट. तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो लेनी ही है, ठीक है, पूरा का पूरे सिलेबस की, साथ साथ जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जैसे एफ्लुएंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ये सब रीसेंट ट्रेंड्स हैं. तो इवन इफ दे आर नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, यू माइट गेट अ क्वेश्चन देयर एंड हो सकता है कि इन कीवर्ड्स को लेके क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दिया जाए. सो बी अवेयर अबाउट दीज टर्म्स और एग्जांपल्स तो पढ़ने ही पड़े. ठीक है, सो दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ योर पेपर वन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पेपर टू. मैं आपको पहले ही बता दूं कि
मैनेजमेंट ऑप्शनल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो पेपर टू से घबराते हैं, बट आपको मैं बता दूं देयर इज नो वे आउट। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बात करी थी दैट वेदर कैन यू स्किप न्यूमेरिकल्स और नॉट इन मैनेजमेंट ऑप्शनल, यू सर्टेनली कैन नॉट। पेपर वन तो फिर भी देयर आर चांसेस यू माइट स्किप इट अगर एक ही न्यूमेरिकल आता है, बट पेपर टू में तो जस्ट इम्पॉसिबल है कि आप न्यूमेरिकल्स को स्किप करके चले जाओ। और मैं आपको बता दूं ये जो दो सब्जेक्ट हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज नथिंग बट योर स्टैटिस्टिक्स बेसिकली, जहां पे काई स्क्वायर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, यू विल हैव टू स्टडी वेरी वेरी हार्ड। मैं आपको डरा नहीं रहा बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनको प्रैक्टिस करने बैठते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो कम से कम आपको 45 मिनट से कम टाइम नहीं लगेगा। यू आर अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू टेक 30 से 45 मिनट्स का टाइम आपको लगेगा, एंड यू हैव टू ट्राई हार्डर टू इंश्योर कि आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 20-25 मिनट्स। तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे न्यूमेरिकल्स, उतना ज्यादा आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से ग्रेजुएशन से एक लेवल ऊपर के ही क्वेश्चन आते हैं। बट इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, अगर आपको पता है कि किस समय पे कौन सा टेस्ट लगता है, व्हाट आर द अजम्पशंस जिस पे आपको टेस्ट लगाना है, एंड यू हैव प्रैक्टिस प्रॉपरली, आपने थॉरली प्रैक्टिस किए हुए न्यूमेरिकल, यू विल बी एबल टू आंसर इट। बट आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा, माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा दैट आई कैन नॉट स्किप दीज टू सब्जेक्ट्स, बिकॉज पेपर टू का जो मेजॉरिटी चंक है वो ये दो सब्जेक्ट्स ही कंप्राइज करते हैं। अगर आपने इन दोनों को कवर कर लिया तो पेपर टू आपने समझ लीजिए मोर ऑर लेस कर लिया। ठीक है, हाई लेवल न्यूमेरिकल आएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ थ्योरी भी करनी है। अब ये मत सोच देना कि अरे सर ने बता दिया कि भाई न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल ही पढ़ के चले जाओ, इसमें अच्छे लेवल के थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे कंडीशंस पूछ ली जाए, हो सकता है आपसे फिशर्स इंडेक्स टेस्ट की अजम्पशंस पूछ ली जाए जो कि अभी लास्ट रिसेंट एग्जाम में पूछी हुई थी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हाई लेवल के आएंगे और थ्योरी भी इनडेप्थ पूछी जाएगी, तो अच्छे से कवर करके जाओगे तभी इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सो प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके बाद वाले सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सेक्शन ए का पार्ट है बेसिकली ये। यहां पे क्या समझ में आता है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स रिलेट नहीं कर पाते, अनटिल अनलेस यू बिलोंग टू एन आईटी बैकग्राउंड और अ टेक बैकग्राउंड, यू विल नॉट बी एबल टू मच रिलेट टू इट। तो इसके अंदर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई बहुत ज्यादा लर्निंग का एलिमेंट है, बिकॉज कॉम्पोनेंट बहुत सारे होते हैं, मॉडल्स बहुत सारे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू ट्राई एंड फोकस कि जितना ज्यादा उसको याद कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा एग्जाम में रिटेन कर पाओगे। देखो यार, एग्जाम में क्या होता है, कुछ चीजें प्रैक्टिस करने की होती हैं, कुछ चीजें समझने की होती हैं और कुछ चीजें याद करने की होती हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई रट्टाफिकेशन कर लेना बिना समझे, बट याद तो करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू पुट सम एफर्ट टू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स, क्योंकि अगर ये कॉम्पोनेंट्स नहीं बताओगे एग्जाम के अंदर तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर रीडिंग द सिलेबस। ठीक है, बट क्वेश्चंस आर वेरी वेरी डायरेक्ट, बिल्कुल भी घुमा के क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये मॉडल क्या है, इस मॉडल का इंपैक्ट क्या होगा, इस मॉडल के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं टू द सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस। अब मैं आपको बताऊं, दिस इज वन सच सब्जेक्ट जो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है अगर आप जीएस पेपर्स अच्छे से कवर करके आ रहे हो। इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं दे आर वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ बेसिक्स लॉ होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने जीएस में पढ़ रखे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने जीएस वाले नोट्स उठाने, उनको देखना है क्या क्या टॉपिक्स मैच हो रहे हैं, वहां से आपको रिवाइज कर लेना है। फोकस किस पे रखना है, ज्यादा फैक्ट्स पे और स्टैटिस्टिक्स पे। इन क्वेश्चंस में जितना ज्यादा आप इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर पाओगे, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर पाओगे, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि भाई मुझे ये डेटा याद करने। मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस पेपर्स और व्हेन यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर, यू आर मेकिंग नोट्स अकॉर्डिंगली। आप स्टैटिस्टिक्स कहीं कॉपी में लिखते चले जाओ ताकि व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट आपको पता हो गया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये डेटा याद है, मुझे सिर्फ इस डेटा को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर देना। दैट्स इट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मैं कई बार कहता हूं इसका नाम एक्चुअली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पड़ गया। नाउ दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू हैव रियल लाइफ एग्जांपल्स विद यू। SWOT एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है, PEST एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है, पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ कि SWOT एनालिसिस एप्पल का क्या होगा, PEST एनालिसिस हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या होगा। गूगल मारोगे, एन नंबर ऑफ कंपनीज के SWOT एनालिसिस के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर, हर कंपनी ने डाल रखे हैं ताकि वो प्रमोट कर सके अपनी चीजों को। बहुत सारे मैनेजमेंट भी स्कूल्स हैं जिन्होंने उस पर केस स्टडीज बनाई हुई है,
तो पहले से अगर प्रिपेयर करके जाओगे तो ऑलरेडी यू आर प्रिपेयर्ड, आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको सिर्फ उसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ रिफ्रेम करके लिख देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू इंश्योर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी होगी। और खास बात क्या है, सिलेबस बहुत लंबी नहीं है, लंबा नहीं है, बहुत ही मॉडरेट लेवल का सिलेबस, आई थिंक 5-6 चैप्टर्स में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, बहुत ज्यादा इनडेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम्पल और रियल लाइफ सिनेरियोज आपको पता होने चाहिए जो आपको केस स्टडी से मिल जाएंगे। जितना ज्यादा केस स्टडीज लिखोगे आंसर में उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ दिस सब्जेक्ट इज क्वाइट लेंदी, थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, 18-20 चैप्टर्स के अंदर होंगे, बट खास बात क्या है और अच्छी बात क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देयर आर नो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बट यू विल नीड रेलेवेंस कनेक्टेडनेस इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स। लेट से आपसे पूछ लिया जाए कि भाई करंट सीनेरियो में अगर हम देखें जहां पे ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज हो रहा है, कौन सी ट्रेड थ्योरी जो है जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगी। अब इस सवाल को का जवाब देने के लिए, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू विल हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द ट्रेड थ्योरीज। या फिर लेट से कोई क्वेश्चन आपसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में पूछ लिया गया, या लेट से आपसे पूछ लिया गया दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर ऑन द ग्लोबलाइजेशन, और लेट से द ट्रेड ऑफ इंडिया और लेट से एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है। सो अगर आप सिलेबस कॉम्प्रेहेंसिवली पढ़ के चले जाओगे एंड यू आर रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स, बिकॉज कई बार इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है। लेट से आपने एक आर्टिकल पढ़ा, इंपैक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर ऑन ग्लोबलाइजेशन और इंपैक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर ऑन ट्रेड और एक्सपोर्ट्स, वही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे दिया गया। तो आपको क्या करना है, व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड यू आर फाइंडिंग समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू योर सिलेबस, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज पॉइंटर्स, ठीक है। सो दैट एंड्स योर पर्टिकुलर लेक्चर, and this is how you can probably approach your UPSC 2023 if you have taken management optional as one of your subject. I hope ki ye video aapko achhi lagi ho, ye video aapko helpful lagi ho. If you think that you have learned something new, do hit the like button, do subscribe to the channel. We have already started with the sessions for your UPSC 2023 course, that is for both commerce as well as management optional. If you want to check the course, you can call us on the number 9999466225. You can also visit our website www.anujinder.in. अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, दैट इज info@anujinder.in. Now we also have a very specific dedicated channel for specifically for UPSC commerce and management, that is UPSC Pedia by Anujinder. You can also check that out. Okay, thank you, all the very best, keep preparing.